Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir and I am here today with a sample formal letter to the editor. ठीक है, आज मैं यहाँ पर एक sample formal letter लेकर उपस्थित हूँ. As I had promised that I will give you the sample for all kinds of formal and informal letter. Okay, in the last video I had uploaded a sample of informal letter. ठीक है, कि पिछले वीडियो में मैंने एक इनफॉर्मल लेटर का सैंपल डाला था. आज मैं फॉर्मल लेटर का डाल रहा हूँ और रेस्ट जो काइंड्स मैंने बताए थे, जो फॉर्मल लेटर के काइंड्स होते हैं, वो सभी पर मैं एक एक कम से कम सैंपल तो निश्चित रूप से डालूँगा. और मैंने पहले ही फॉर्मल और इनफॉर्मल का फॉर्मेट विथ ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है, कैसे लेटर स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, ठीक है, और फॉर्मेट को भी मैंने दो सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. आप मेरे प्लेलिस्ट में, अगर आप नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में इंग्लिश विद श्रवण सर में जाएंगे और वहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं इस लेटर पे. मैं इस लेटर को एक्सप्लेन करते समय मैं बताऊंगा फॉर्मेट को भी, और लेकिन डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं. ठीक है, अगर आप नए हैं, अगर आपने वो देखा है तब तो फिर ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए, ये एक लेटर है जिसको शोभना चुग लिखती हैं. काल्पनिक मैंने एड्रेस डाला है. जैसे कि कोई भी आप लेटर लिखेंगे तो अगर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही अगर आपको बताया गया आप ये हो, ठीक है, आपका नाम दिया हुआ है, आप इस एड्रेस पे किन को लिख रहे हो, सारा कुछ उसमें क्वेश्चन में है, तो ठीक है, आप उसी एड्रेस को मेंशन करोगे सेंटर के रूप में. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अगर उसमें नहीं है तो कोई भी इमेजिनरी एक्स वाई जेड आप दे सकते हो, लेकिन तीन लाइन में हो. ठीक है, पहले जब भी लेटर लिखेंगे तो कंप्लीट पेज से, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि टॉप मार्जिन छोड़ेंगे, लेफ्ट मार्जिन छोड़ेंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप लिखना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, जैसे यहाँ पे शोभना चुग बी ब्लॉक बसंत कुंज न्यू दिल्ली, ये तीन लाइन में है, मैक्सिमम थ्री लाइन्स में. ठीक है, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद डेट. ठीक है, डेट लिखने के मैंने तरीके बताए थे, यहाँ पे सैंपल है, इसको देख लीजिए. इस तरह से डेट, जैसे आज है 9th अगस्त है तो 9th अगस्त 2020, ऐसा नहीं कि 9 ऑब्लिक कभी कभी लिखते हैं या फिर डैश लिखते हैं, फिर 8 लिखा, फिर 2020, इस तरह से लेटर में नहीं लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड वे नहीं होता है. उसके बाद फिर एक लाइन गैप छोड़ेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस विथ डेजिग्नेशन, जो रिसीवर है जिनको आप लेटर लिख रहे हो, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी भी इसको कहते हैं, तो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी मीन्स रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे तो उसके साथ उनका डेजिग्नेशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे लेटर टू द एडिटर है, तो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले द एडिटर, ठीक है, उसके जस्ट नीचे लाइन में द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसको दो लाइन में भी लिख सकते हैं, तीन लाइन में भी लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे. अब गैप छोड़ने के बाद मैंने बताया था जो लेटेस्ट वे है उसमें पहले आप सैल्यूटेशन को लिखेंगे, जैसे सर मैडम, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, या जो ये ट्रेडिशनल तरीका है कि पहले सब्जेक्ट लिखे, इस तरह से भी जो आपको अच्छा लगे. मैं अभी इसलिए कि जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर उस फॉर्मेट को नहीं देखा तो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है. जो मेरे उस फॉर्म मेरे उस वीडियो को देखा है जिसमें मैंने फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है, वो स्टूडेंट है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. पहले आप सैल्यूटेशन को लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट नीचे लिखिए. तो सब्जेक्ट जैसे क्या है, सब्जेक्ट बहुत ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. तो किस विषय में, पुअर वाटर सप्लाई. ठीक है, प्रिसाइज, कम शब्दों में लेकिन बात क्लियर हो जाए, पुअर वाटर सप्लाई के बारे में. इसमें एक वर्ड और भी जोड़ दे सकते थे, रिगार्डिंग पुअर वाटर सप्लाई. ठीक है, अब क्या लेटर लिखते हैं, सर या मैडम. ठीक है, अगर आप नोन है तो, या नहीं आपको पता है कि वो मेल है या फीमेल, जो अथॉरिटी है जिनको आप लिख रहे हैं, तो आप सर ऑब्लिक मैडम लिख सकते हैं. मेरे यहाँ पे सर लिखा है, वो आप लिखोगे तो आप अपने अनुसार से उसको कर लेंगे. अब चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं. मैंने बिगिनिंग के कुछ सेंटेंसेस बताए थे मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल में. यहाँ पे देख लीजिए, थ्रू द कॉलम ऑफ, अब इसमें से स्पेलिंग आपको शायद कोई लेटर समझ में नहीं आया, तो स्पेलिंग समझ में नहीं आया, तो मैं जब बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे या फिर पॉज करके उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, राइटिंग सबकी अपनी अपनी होती है, तो उसमें अगर कोई आपको समझ में ना आए तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्लियरली यहाँ पर. ठीक है, और हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चूँकि मेरे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो, उनको भी कोई परेशानी नहीं हो. ठीक है, तो चलिए,
सर पहले सब्जेक्ट लिखा फिर एक लाइन गैप छोड़ा, अगर हम पहले सैल्यूटेशन लिखते तो एक लाइन गैप छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखते, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना शुरू करते, सीधे लेटर स्टार्ट करते, ठीक है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ा, फिर सर, और सर के जस्ट नीचे से, इसमें कोई गैप नहीं छोड़ रहा हूँ, ये सैल्यूटेशन के बाद तुरंत लिखना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई गैप नहीं छूटेगा, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ये एक तरीका है, और मैं दूसरा सैंपल दूंगा फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने जब फॉर्मेट एक्सप्लेन किया तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसको देख लेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस उसके बिगिनिंग के, लेकिन मैं अलग अलग जब लेटर डालूंगा तो उसमें अलग अलग तरीके होंगे, आज एक आप जान लीजिए, और ये बहुत कॉमन है, कम से कम इतना तो याद आप रखोगे ही। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, ठीक है, ड्रॉ योर काइंड, ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्निंग अथॉरिटी, कि थ्रू द कॉलम ऑफ, कि आपके न्यूज़पेपर, ठीक है, आपके प्रतिष्ठित, थोड़ी उसकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है, स्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस, स्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर मीन्स आपके स्टीम्ड और प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किसका, कंसर्निंग अथॉरिटी, संबंधित अधिकारियों का, टुवर्ड्स की और, किसके और, पुअर वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी में, ठीक है, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, इरेगुलर है, पर्याप्त नहीं है, इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये तरीका है इसलिए मैंने पैराग्राफ बदला है, नहीं तो अगर दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो फिर ये क्या होगा, पैराग्राफ नहीं बदलेंगे, फर्स्ट पैरा में ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा, अलग अलग सैम्पलिंग जब करूंगा फिर नेक्स्ट आपका लेटर टू द एडिटर मैं डालूंगा सैम्पल, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ फिर पैरा बदल लिया कि इन आवर कॉलोनी, ठीक है, हमारे कॉलोनी में द वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफिशियली बाय 25%, ठीक है, कि हमारे कॉलोनी में आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली मैंने क्या होता है, आधिकारिक तौर पर वाटर सप्लाई को 25% घटा दिया गया है, काट दिया गया है, मतलब जितना वाटर सप्लाई होता है उसके 25% कम कर दिया गया है, ठीक है, आधिकारिक तौर पर। दिस हैज़ caused अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, इससे बहुत परेशानी उत्पन्न हो गया है, मुश्किलें उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है, कि दिस हैज़ caused, इसके कारण से, ठीक है, अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बहुत सारी परेशानी, ठीक है, उत्पन्न हो गई है। इट इज़ द समर सीजन, कहता है एक तो यह समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, गर्मी का ऋतु है, एंड पीपल नीड मोर वाटर, और गर्मी के सीजन में लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, दे नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, उन्हें पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, बेदिंग, ठीक है, स्नान के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, पड़ता है, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स, और घर के अन्य कार्यों के लिए। आप अब इसमें बहुत सारी बातें और भी ज़रूरत को बता सकते हो आप, ठीक है, इरिगेशन के लिए, ठीक है, कोई अगर फैक्ट्री है या इस तरह के कुछ लोग बिजनेस में हैं जहाँ पे कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी परेशानी अगर पैदा हो रहा था, डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड में लेटर लिखना है, अगर 150 वर्ड्स में लिखना है, 125 वर्ड्स में लिखना है, तो आप उस अनुसार उसको बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अबाउट, तो वही कह रहा है कि दे नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स, मेनी ऑफ द पीपल हैव टू गो विदाउट अ बाथ, ठीक है, विदाउट अ बाथ, कहता है कि बहुत सारे लोगों को बिना नहाए रहना पड़ जा रहा है डेली, प्रतिदिन, कि पानी अगर सभी लोग नहाएंगे तो फिर पानी के कम पड़ जाएगा, पीने का पानी या फिर अन्य कार्यों के लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो नहा भी नहीं पाते हैं प्रतिदिन सभी लोग, कहता दे कांट गेट वाटर फॉर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी उन लोग कपड़े पानी नहीं मिल पाता है पर्याप्त, ठीक है। फिर कहता है कि एज अ रिजल्ट, इसके कारण, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन हैज़ बिकम मिजरेबल, ठीक है,
लोगों का जीवन क्या हो गया, मिजरेबल, मैंने दुखपूर्ण हो गया है, ठीक है, मिजरेबल। इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, ठीक है, अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया जाता है, इट मे रिजल्ट इन मेनी डिजीजेस, तो इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, एंड वाटर फेमाइन, और एक पानी का भी अकाल पड़ सकता है, ठीक है। द अथॉरिटीज शुड टेक सम इमीडिएट स्टेप्स, इसलिए अधिकारी को कुछ तुरंत ही कदम उठाना चाहिए, ठीक है, टू रिस्टोर द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर सप्लाई को, नियमित वाटर सप्लाई को पुनः शुरू करने के लिए या जारी करने के लिए। अब क्या होता है, ये लेटर यहाँ पे लिखा, अब इसको मैंने बोला कि अगर आपको ज़्यादा वर्ड में लिखना है तो उस तरह से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। आई होप दिस लेटर विल हैव स्पेशल रूम इन योर न्यूज़पेपर, और अंत करने के लिए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपके न्यूज़पेपर में इस लेटर को एक महत्वपूर्ण जगह मिलेगा, स्पेशल जगह मिलेगा, ताकि अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो। स्पेशल जगह कहने से मतलब होता है कि ऐसे पेज में, ऐसे कॉलम में, ताकि लोगों के ध्यान में, तुरंत अधिकारियों के ध्यान में जाए। अब ये लेटर ख़त्म हो गया, फिर एक लाइन गैप छोड़ के आप लिख सकते हैं कि थैंकिंग यू, उसके बाद तुरंत लिखेंगे आप थैंकिंग यू, फिर एक या दो लाइन गैप छोड़ के आप योर्स फेथफुली, नीचे जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिखा है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली शोभना चुप, चूँकि वही लिख रही हैं, बात समझ में आ रही है, ये लेटर समझ में आया होगा। अब देखिए क्या होता है कि स्टार्ट कैसे करेंगे, बिगिनिंग लेटर पे फोकस करेंगे, एंडिंग पे आप फोकस करेंगे, बीच वाले प्रॉब्लम आप अपने ढंग से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक चीज है कि कोई एक सैंपल लेटर देख के सिर्फ उसको लिख लेने से नहीं, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइटिंग स्पीकिंग, ठीक है, इसमें पकड़ बनाने के लिए निरंतर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है ये, कोई शॉर्टकट वेज नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अब एक प्रामाणिक ढंग से, कि अगर कोई कहते हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता आप, और मगअप तो आप बिल्कुल नहीं करिए, कोई लाइनों को रटने की कोशिश तो मत करिए, हाँ इसको समझ लीजिए, फिर वो दिमाग में आ जाएगा खुद ही, ठीक है, और उसमें अगर कोई वर्ड बीच में अगर रटा हुआ रहेगा तो होगा क्या कि अगर मैं उस जो अभी सेकेंडरी में जो स्टूडेंट्स हैं, हायर सेकेंडरी में है या फिर जो बेसिक लर्नर्स हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आपने इस लाइन को रट लिया, बीच में स्टिम्ड भूल गए, तो पता चला कि आगे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखूँ ये पता नहीं चल पाता है। अब इसको अर्थ को समझिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टिम्ड एंड प्रेस्टिजियस, अगर स्टिम भूल गए तो कोई बात नहीं, स्टिम्ड भूल गए, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है। आई वुड लाइक टू draw your kind attention, I wish to draw your kind attention, I would like to draw attention की जगह पे I wish to draw attention change कर देंगे आप, तो आपका एक अगर एक जगह फिक्स हो जाएंगे और अगर उसमें से कुछ भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा लिखना, तो ऐसा नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो यहाँ पे esteemed and prestigious newspaper, I would like to draw the kind attention, अगर direct आप किसी official को लिख रहे हो complaint letter तो उसमें यहाँ पे I would like to draw the अटेंशन ऑफ कंसर्निंग अथॉरिटी है, ऐसा नहीं करेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, वही चेंज कर दिया, पर्टिकुलर अगर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो, और उन्हीं का ध्यान आकर्षित करना है तो। यहाँ पे चूंकि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से संबंधित अधिकारी, उसमें जो भी अधिकारी उस चीज़ को मैं जान नहीं रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, इस तरह से। और एंडिंग जैसे आप करेंगे, अगर ये एंडिंग मैंने इस तरह से किया है, अब उसमें क्या होता कि अगर ये लाइन मुझे यहाँ नहीं लिखना होता कि आपके न्यूज़पेपर में स्पेशल जगह मिले, ये मैं फर्स्ट पैरा में ही इंक्लूड कर लिया होता तो वहाँ पे मैं करता देयरफॉर, ठीक है, द कंसर्निंग अथॉरिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स सो दैट द नॉर्मल, ठीक है, या फिर रेगुलर वाटर सप्लाई कैन बी रिस्टोर्ड एंड द नॉर्म, क्या कहते हैं कि लाइफ ऑफ पीपल कैन बी नॉर्मलाइज्ड, या नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल कैन बी रिस्टोर्ड, बात समझ में आ रही है, इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करने की क्षमता कब आएगी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ सैम्पलिंग मैं कर देता हूँ, कुछ आप लिखने की कोशिश करेंगे, और वहाँ जो परेशानी आपको आएगी आप उसको व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे,
लेकिन आप देखना नहीं भूलेंगे, जो भी लेटर देखेंगे तो आप जो भी वीडियो देखेंगे, चाहे वो लेटर का हो या फिर लिटरेचर से हो या ग्रामर से हो, ठीक है, या रीडिंग स्किल से, बहुत जल्दी मैं रीडिंग स्किल का भी डालने वाला हूँ, ठीक है। और फिर आप भूलेंगे नहीं, बहुत जल्दी मैं बेसिक्स भी जो डाल रहा हूँ, तो बेसिक्स लगभग जैसे मुझे लगेगा कि आप यहाँ से स्पोकन सीरीज स्टार्ट हो जाना चाहिए। टेंस और वॉइस सीरीज चल रहा है साथ में, बीच में वोकैब भी मैं कर रहा हूँ, वोकैबुलरी बिल्डिंग का भी बीच बीच में, फिर ग्रामर तो चल ही रहा है आपका बेसिक्स का, ठीक है, कुछ कभी कभी एडवांस का भी रहता है। तो मुझे जब लगेगा कि अब इतना हो गया तो फिर मैं वहाँ से स्पोकन स्टार्ट करूँगा। तो इसके पहले हम लोग ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत इसको ला सकते हैं हम लोग। अगर आप इस लेटर राइटिंग करोगे तो इसमें भी आपकी राइटिंग एबिलिटी, ठीक है, राइटिंग स्किल डेवलप होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। और अपने ढंग से आप इसको समझिए और उसको जब आप रिप्रोड्यूस करिए तो वो अपने ढंग से आपका होना चाहिए, ठीक है। मैंने आप इसको अंदर ले लीजिए, ठीक है, इम्बाइब करिए, और लेकिन जब आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपका होना चाहिए, आप चाहे वो राइटिंग में हो या फिर स्पोकन में हो, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं पे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।